तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में मिडिल क्लास और मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे पॉपुलर और सस्ती कार को एक बार फिर से भारत में लॉन्च करने को तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मार्केट में सावो एक ऐसा नाम है जिसको आज से नहीं काफी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं। ये कार भारतीय बाजार में ऑल्टो से ज्यादा खरीदी और बेची जाती थी, मगर किसी कारणों के चलते सावो जैसे मॉडल को भारतीय बाजार से डिसकंटिन्यू किया गया। मगर स्मार्ट जमाने के साथ और डिमांड को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से अपनी सबसे पुरानी और सस्ती हैचबैक कार सावो को नए अंदाज और नए लुक के साथ माइक्रो एसयूवी अपडेट में लॉन्च करने का निर्णय ले ही लिया है। बता दें कि मार्केट में सावो कई बार टेस्टिंग के दौरान भारत की सड़कों पर देखी जा चुकी है। हुए ऑटो एक्सपो में भी इस कार के नए नवेले मॉडल को प्रदर्शित किया गया था, जब इसे ग्राहक इस कार के दीवाने होते चले आ रहे हैं। मार्केट में आने वाली सावो को 4x2 के डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि इस कार का लुक भारत में पहले से मौजूद जिम्नी से मिलता जुलता भी नजर आएगा, यानी ऑफ रोडिंग का मजा आप काफी कम दामों के साथ सावो जैसी कार में ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं और जान लेते हैं कि मार्केट में आने वाली सावो में इस बार क्या कुछ खास 2024 में देखने को मिलता है। तो मार्केट में सावो काफी पॉपुलर है, इस कार को ऑल्टो से ज्यादा खरीदा जाता था, मगर स्मार्ट जमाने के साथ कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए अब ये कार ऑल्टो से आगे निकलने वाली है। सावो मार्केट में अपने लुक के चलते काफी फेमस है। इस कार को देखने के बाद हर कोई ग्राहक इस कार का नए मॉडल का दीवाना होते चले आ रहे हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सावो के आपको लुक और डिजाइन से मिलवाया जाए कि इस बार सावो अपने हैचबैक रूप को पीछे छोड़ स्मार्ट जमाने जैसी कैसी नजर आ रही है। तो आने वाली सावो को आप इस वीडियो के अंदर साफ साफ देख लीजिए। ये वही सावो है जो की अपने नए अंदाज में नजर आती है। सावो भारतीय बाजार में एक शानदार ऐसे भी लुक में नजर आ रही है। कार के फ्रंट लुक पे गौर किया जाए तो इस बार सावो में आपको बोरिंग हेडलैम्प नहीं बल्कि प्रोजेक्टर लाइनअप का सेटअप डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ नजर आता है। सावो को खूबसूरती देने के लिए मारुति सुजुकी ने इस कार के नए अपडेट व्हील का इस्तेमाल बॉडी टू लाइनअप कर डाला है, जिसमें ब्लैक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सावो फ्रंट लुक से काफी एग्रेसिव और मस्कुलस नजर आ रही है। भले ही ये कार छोटी हो, मगर इस छोटी कार में बड़े धमाके आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस कार में एक शानदार स्पोर्टी लुक वाला बंपर भी जोड़ा गया है, जिसके चलते सिल्वर लाइनअप क्रीज ऑप्शन में लगे बड़े बड़े फॉग लैंप सावो जैसी छोटी कार को मार्केट में ऑफ रोडिंग कारों से काफी खास बना देते हैं। सावो ओवरऑल लुक के मामले में 4x2 के डिजाइन में नजर आ रही है, जिसका कारण है कार में ऊंचे टायर। जी हाँ, साइड प्रोफाइल पे भी जरा गौर कर लिया जाए तो इस बार सावो अपने 17 इंच के बड़े टायर्स के साथ नजर आती है, जिसमें कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो अब ऑफ रोडिंग का मजा आप अपनी सावो जैसी कार को काफी कम दामों के साथ लेकर पूरा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सावो में आप काफी शानदार ऑफ रोडिंग का मजा लेने वाले हैं, क्योंकि का ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा खासा भारतीय बाजार के तंग रास्ते ऊपर खाबड़ सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस कार को डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते अब चाहे पथरीले रास्ते हो, तंग रास्तों पर यह कार स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम सिस्टम के साथ शानदार स्मूथ राइड आपको हर बार देने वाली है। सावो को मार्केट में पूरे 5 नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्च किया जाएगा और सबसे खास बात ये जेट ब्लैक ऑप्शन में भी अपने डिजाइन के साथ नजर आएगी। मार्केट में सावो के साइड प्रोफाइल पे और गौर किया जाए तो देख लीजिए नए जमाने वाली सावो में आपको नए हैंडल्स बार टच सेंसर लॉकिंग सिस्टम के साथ नजर आते हैं, जो कि इस कार को स्मार्ट बनाते हैं। दोनों साइड देखा जाए तो इस कम बजट में भी सावो जैसी कार में मारुति सुजुकी ने एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली दे डाली है, जिसके चलते कार पूरी तरीके से हाईटेक और स्मार्ट नजर आती है। तो वीडियो में आपने देखा कि आने वाली सावो कितना दमदार नजर आ रही है। सावो को जितना मार्केट में खूबसूरत बनाया गया है, उतने ही स्मार्ट जमाने और बढ़ते पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए इस कार में एक दमदार इंजन का इस्तेमाल भी नए जनरेशन के साथ किया गया है, यानी अब नए सावो अपने नए इंजन ऑप्शन के साथ भारत में जलवे दिखाने को तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी के आने वाली सावो के अंदर एक शानदार माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस इंजन ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सावो के आपको इंजन से मिलवाए कि आखिरकार इस कार में दमदार इंजन का इस्तेमाल जो किया गया है। आने वाली सावो अपने 2.5 लीटर के 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन के साथ नजर आने वाली है, जिसके चलते कार आपको 240 PSP के मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 270 NM तक का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली सावो में आपको 5 स्पीड AMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन मिल जाएंगे। माइलेज की बात कर ली जाए तो जी हाँ, मारुति सुजुकी की कारें अपने परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए ही तो जानी जाती है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए सावो जैसी कार का माइलेज आपको 30 से लेकर 32 के आसपास यानी ऑल्टो के बराबर देखने को मिलने वाला है, है ना कमाल की बात। तो भैया आज के स्मार्ट जमाने में कारों का ताता बोलता हुआ नजर आ
रहा है क्योंकि हर कोई कंपनियां एक के बाद एक शानदार लाइनअप में अपने प्रोडक्शन को लॉन्च करती हुई भारत में ही नजर आ रही है। आने वाली सबवो मार्केट में काफी कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के साथ नजर आने वाली है। तो अगर आपकी कोई पुरानी कार घर पे खड़ी है तो आप एक्सचेंज ऑफर के साथ भी अपनी सबवो को घर ले जा सकते हैं। आने वाली सबवो में इतना ही नहीं, कार अपने स्मार्ट जमाने वाले फीचर्स के साथ भी लैस की गई है क्योंकि आज के स्मार्ट जमाने में ग्राहक अपनी कार लेने का सपना कम बजट में शानदार फीचर्स के साथ जो करना चाहता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आपको सबवो के इंटीरियर और फीचर्स से भी जरा मिलवाया जाए कि आप इस कार में बैठने के बाद कितना प्रीमियम फील करने वाले हैं। कार का डैशबोर्ड ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ नजर आता है जिसमें लगे दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी वेंट्स सबवो जैसी कार को मार्केट में स्मार्ट बनाते हैं। इस बार सबवो में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसमें कई हद तक जानकारियां साझा कर सकते हैं। और सबवो जैसी कार को स्मार्ट बनाने वाला आखिरकार इस कार में एक 6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने किया है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूआई कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे शानदार फीचर्स के मजे आप अपनी देसी सबवो जैसी अपडेट कार में ले सकते हैं। मार्केट में आने वाली सबवो को और भी स्मार्ट बनाने वाले इस कार में और भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जिंग से लेकर स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन और हारमन से लेकर बॉसी के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन तक इस कार में साउंड के मामले में धमाका करने वाले हैं। ये तो हो गए सबवो के कुछ फीचर्स की बात। चलिए कंफर्ट की बात आती है तो आखिरकार इस छोटी कार में कितने लोग सफर कर सकते हैं तो बता दें कि मार्केट में सबवो एक छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल फिट कार है। 5 लोगों के बैठने के बावजूद सम्मान रखने तक का स्पेस इस कार में मिल जाता है। और आखिरकार सबवो जैसी कार में आपको प्रीमियम सेगमेंट की अपोल सीट्स का सेक्शन भी मिल जाता है जिसके चलते आप बैठने के बाद अपनी सीटों को एक ही बटन द्वारा एक्सेस 14 तरीके से कर सकते हैं, 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। लेग रूम पे नजर डालिए, 5 लोगों के बैठने के बाद आपका सामान आसानी से इस कार में फिट आएगा। और साथ ही साथ आप चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, शॉर्ट ड्राइव हो, तंग रस्तों में ये कार स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम सिस्टम के साथ हर बार आपको कंफर्ट भरी राइड भी देने वाली है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपने लाइनअप में सेकेंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नए अपडेट्स कारों के लिए किया है जिसके चलते सबवो जैसा मॉडल भी इसी प्लेटफॉर्म पे बना रखा है। आने वाली सबवो को ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट मार्गों के तहत पूरे 5 की रेटिंग मिली है जिसका कारण है कार को 90% तक स्टेनलेस स्टील से जो बनाया गया है। मार्केट में सबवो को 3 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। कार के बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत 3.60 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है। तो अगर आप भी अपनी कार लेने का सपना इस दिवाली के मौके पर 5 लाख रुपए से कम के बजट में पूरा करना चाहते हैं तो एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाइए और अपनी पुरानी कार को ले लाके नए सबवो को घर कम दामों में ले जाइए। तो अगर आप भी सबवो को बुक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए। वीडियो पसंद आए तो इस बार कर दीजिएगा इस वीडियो पे अपना खूबसूरत सा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।